हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शारगे के जितने फैंस हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी जिसका नाम है जवान का अभी तक टीजर ही नहीं रिलीज हो पाया है, तो ट्रेलर कैसे आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जवान मूवी को बहुत सारे दर्शकों ने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनका टीजर देखने के लिए, लेकिन फाइनली दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जवान के लिए मुश्किलें हमेशा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि जवान का टीजर 2 से 4 दिनों में आ जाएगा, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जवान के टीजर के लिए एसआरके के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एसआरके के फैंस इंतजार कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसआरके के लिए मुश्किलें हमेशा बढ़ती हुई नजरें आ रही हैं, क्योंकि पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया था कि एसआरके का टीजर नहीं रिलीज किया जाएगा, उनके टीजर के ऊपर पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान कि आखिर क्यों अभी तक एसआरके का हाई लेवल का मूवी जिसका नाम है जवान, जो कि देशभक्ति मूवी भी है, इसे क्यों नहीं इसका टीजर लॉन्च किया जाए। क्या एसआरके डर चुके हैं विरोधियों को मूवी आने से? आदि पुरुष की फिल्म उसी दिन रिलीज होने वाला है, उससे डर चुके हैं? लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसआरके खुद किंग माने जाते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह हैं, क्योंकि एसआरके के जब भी मूवी आती है तो हमेशा वम्बर कमाई करते हैं, क्योंकि इनकी इतने सारे फैन फॉलोअर्स हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके नाम की डंका बजते हैं। लेकिन आखिर को इतने दिनों तक एसआरके की मूवी जवान का टीजर तक नहीं रिलीज किया जा रहा, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है कि एसआरके के जवान मूवी का टीजर अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा है? तो दोस्तों मैं सारी जानकारी आपके सामने क्लियर करूंगा कि आखिर क्यों एसआरके की मूवी को नहीं किया जा रहा है रिलीज। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है एसआरके फैंस को, क्योंकि जवान मूवी ऐसा अभी पता चल रहा है न्यूज़ के दौरान कि जवान मूवी को 2023 में रिलीज़ किया ही नहीं जाएगा। आखिर क्यों इसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिससे जवान मूवी को मुश्किलें काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जवान के टीजर का इतना फैंस इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मोशन पोस्टर से ही जवान का मूवी को ट्रेंडिंग में आ गया। लेकिन जवान की मूवी कब रिलीज होगी ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है क्लियर से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं उन्हें झटका तो जरूर लगा होगा, क्योंकि 2023 में वो चाह रहे थे कि एसआरके की मूवी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल एसआरके की मूवी आप लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी एसआरके की मूवी जवान को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको एक इंटरव्यू और न्यूज़ में सुनकर बताया हूँ। हो सकता है एसआरके की मूवी 2023 में ही रिलीज़ हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहना है कि एसआरके खुद एक बादशाह है, इनकी मूवी को कोई नहीं टाल सकता है, जो 2023 में आना चाहिए तो आना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि ये मूवी हाई प्रोजेक्ट की मूवी है, इसमें काफ़ी पैसों की खर्चा की गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकती है कि मूवी 2023 में ही रिलीज़ हो जाए, क्योंकि ऐसी अफवाह भी हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसआरके के जितने भी फिल्म आए हैं वो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ रहे हैं, क्योंकि इनकी इतनी सारी फैन फॉलोअर्स है कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके सामने कोई नहीं टिक पाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता कि शाहरुख खान की फिल्म जवान को इस वर्ष ही रिलीज़ किया जाए, कितने लोग चाहते हैं कि जवान को इस वर्ष रिलीज़ किया जाए? अगर शाहरुख के सच्चे फैंस हो सब्सक्राइब